All right, guys, welcome to the 31st episode of Men Will Be Men. This entire series is dedicated for men. तो क्या सोच रहे हो? भाग लाएगा सर, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. And you have to admit the fact कि हाँ, थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया जाता है. Yeah, that was the old saying. ये रहा बोल, बेटी है तो कल है, अब बेटा मरा है. नहीं नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया 15 अगस्त पर, हमने काफी चर्चा की है, पर इस बिंदु पर हमने चर्चा नहीं की. He said a very nice thing and we appreciate that. इसमें कोई बुराई नहीं है. मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का. इट वॉज लखपति दीदी योजना. या इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे. अगेन आई एम सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स कंप्लीटली कूल, बट व्हाट अबाउट लखपति भैया योजना? नो सीरियसली, सब दीदियों का ही सोच रहे हैं, भैयाओं का कौन सोचेगा? वो क्या करें संडे को? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दिस वीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. We showed you so many fight videos. I mean, enough of them. Today we have a contest. Seriously? Yeah, it was like ungli versus haath. No, बहुत मजा आएगा. ये train में एक fight हो रही है और दो महिलाएं लड़ रही हैं. And it was a kind of a funny conversation. Women. बस आपको ये बताना है कि गलती किसकी है, उंगली वाले की या हाथ वाले की? बोथ आर हैविंग वैलिड पॉइंट्स. हु इज द विनर? तो आप बताइए, है किसकी गलती, इसकी या उसकी? सही जवाब किसी की नहीं. चुप है. नहीं, यहाँ पर भी आदमी की गलती है. देखो, वो बीच में आ गया. Man, aadmi, harami, kabina. You know guys, when we are growing up, people used to say that always think good for others. दूसरों का अच्छा सोचो यार, तुम्हारा भी अच्छा होगा. कर भला तो हो भला. और ये वर्क करता है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते. इंटरनेट में तो बिल्कुल ही नहीं करते. दिस इंटायर थिंग विद आलिया भट्ट, ये वीक पूरा यही सब चलता रहा. लिपस्टिक, रणबीर कपूर, नो लिपस्टिक, रिमूव द लिपस्टिक, ये मीम वायरल हो गया. नो, आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस, कि रणबीर कपूर को कहीं पर भी लिपस्टिक पसंद नहीं है. आई मीन शी सेड दिस समथिंग दैट आई वर्कड आउट फॉर मायसेल्फ एंड देन क्या होता है ना, पापराजी भी होते हैं, बार बार उंगली करते हैं, अच्छा कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ बताओ. तो दे आर एक्चुअली यू नो प्रमोटिंग देयर मूवीज, दे हैव टू से समथिंग. तो उसने ये बोल दिया, बिकॉज़ वन थिंग माय हस्बैंड ऑलवेज, आई मीन व्हेन ही वाजंट माय हस्बैंड, व्हेन ही वाज माय बॉयफ्रेंड एज़ वेल, व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट एट नाइट, ही इज लाइक वाइप दैट ऑफ बिकॉज़ ही लव्स द नेचुरल कलर ऑफ माय लिप. फिर फेमिनिस्ट एक्टिव हो गए एंड दे फाउंड सम ट्रेजेडी इन इट एंड दे थॉट दैट शी नीड्स हेल्प. उसने तुम्हारी हेल्प मांगी क्या? तो फिर क्यों हेल्प करने जा रहे हो? इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग एंड शी एंडेड इट विद अ नाइस नोट. बिकॉज़ ही लव्स द नेचुरल कलर ऑफ माय लिप. द नेचुरल कलर ऑफ माय लिप. जब वो खुद आकर बता देगी कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो एक्टिव हो ना यार. मेरे को जाना पड़ेगा. हर बार शुरू हो जाते हैं दोस्त फेमिनिस्ट हु आर एक्चुअली टेकिंग अ डिफरेंट एंगल ऑफ दिस. जाने दो, वो खुद हेल्प मांगेगी तो कर देना, आपको एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, किसी का तो घर बनने दो. एट दिस टाइम वी हैव सो मेनी क्राइम स्टोरीज एंड दे आर एक्चुअली प्रीटी बैड. वी एक्चुअली ट्राइंग टू कीप इट ऑन अ लाइटर नोट, बट इस हफ्ते इतने सारे क्राइम है, क्या बताऊं. एक सिस्टर ने अपनी दूसरी सिस्टर को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको शक हो रहा था कि शी इज हैविंग एन अफेयर विद हर हस्बैंड. एंड मीट दिस ग्रेट लेडी, शी वॉज टेकिंग द पेंशन ऑफ हर डेड हस्बैंड फ्रॉम पास्ट 10 years. बाद में पता चला दैट पर्सन वॉज नॉट हर हस्बैंड. क्या यही गुनाह है मेरा? वो ऐसे ही पैसे निकाल रही थी. क्या बात, कितने तेजस्वी लोग हैं मोदी जी, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. एंड द एंड वाज ट्रेजिक, बट दिस स्टोरी गाइस, दिस इज हिज साइड ऑफ स्टोरी. ही टुक 300 रुपीज, ऐसे उसने 300 रुपए ले लिए. बताया जाता है कि महिला से 300 रुपए उधार लेने के बाद उसने 37,000 रुपए चुका दिए थे और फिर उसको टॉर्चर करने लगी और बोलने लगी. इसके बाद भी महिला लगातार उसे परेशान कर रही थी. सो फाइनली ही कमिटेड सुसाइड. Yeah, he actually left a suicide note. And the story of Mr. Akash Shukla, he wrote this article on Jyoti Maurya case. After few days, he
he committed suicide because he was also facing the domestic violence. Itni sari stories hain ki aap depression mein chale jaoge. That's why we are keeping it on a lighter note. Check out this video. Yeah, on one side he saw such beautiful dreams, then he got to know the reality. Tamwari. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। Hey guys, and fake cases. That is the report of Dainik Bhaskar, and they are saying ये खबर ऐसे वायरल हुई कि ये जो रेप के आरोपी है जल्दी छूट जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये सारे फेक रेप केसेस थे। The number is 70% fake rape cases. And that is a report in Dainik Bhaskar. And 70% is a huge number. और अगर किसी मिडिल क्लास लड़के पे आरोप लग भी जाता है ना तो उसका करियर, फैमिली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर सिर्फ एलिगेशन लग गई तो। आई मीन दिस अगली केस गाइज, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। द गाय हैज टू पे 35,000 मेंटेनेंस टू हर और उसने क्या आरोप लगाए। आई डोंट नो अबाउट यू बट नो वन इज रेडी टू बिलीव ऑन दिस बुलशिट। द लेडी वॉज आस्किंग फॉर द डिवोर्स और उसने एलिगेशन लगाया कि लड़के का उसी की माँ के साथ रिलेशन है और उसका फादर इन लॉ उस पर बुरी नजर रखता है। ये तो कुछ समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है। Honestly, I don't support this kind of a thought, but this thing is going viral. Hey, excuse me. आपका actually brass strap दिख रहा है। People are liking it because it's actually showing equality. तू भी पहन ले, तेरा भी दिख जाए। अरे भाई पहने तो मैंने भी है, पर मैं दिख कहाँ रहा है? Sorry. बच के रहियो। And yeah, before I go, check out this little prank. You'll understand the reality of this world. मैं विकी का भाई बोल रहा था। अच्छा विकी के भाई बोल रहे हो आप। भैया मेरे को ऐसे कुछ बात नहीं करना है उसके बारे में भी, मतलब बहुत ऐसे बहुत टाइम से मेरे को ऐसे ब्रेकअप करना था, बट अब फाइनली आई एम डन, तो आई एम डन आपकी बातों में ना, कोई ऐसे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले दीदी का मूड बिल्कुल नहीं था, नशे की आदत रह गई थी, बिल्कुल नशे नशे। ये तो गलत है, मैं छुड़वाने की कोशिश। बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, ये छूट ही नहीं रहा ना इतने टाइम से। नहीं नहीं नहीं, तो ये तो है ही खराब। तो एक और आदत है ना, मतलब बिल्कुल लॉटरी की टिकट खरीदने की, मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए इन्हें, मतलब जब ना तब नया लॉटरी की टिकट ले आते हैं ये। इंटरप्ट कर रहा हूं। उसके बाद जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो समझिए आप। पहले ऐसा अब तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। और उसके बाद ये सुनने के बाद कि विक्की ने मेरे को बोला था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, उसको 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 3 करोड़ की? कब? 2 दिन पहले। आप चेंज देखो तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपने कॉल कराई है तो मैं एक बार बात कर लूंगी उससे, ऐसे कॉल करके मैं बात कर लेती हूँ एक बार। बिकॉज इट वॉज अ प्रैंक सो ही एंडेड इट लाइक दिस। किसी के ऐसे इमोशनल और सेंटिमेंट का ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। वाह दीदी, वाह दीदी, तो करना।